यहाँ पे आपके बोर्ड पे सामने आपको दिखाया गया है कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन को हमने इंटरचेंज किया, तो ये आप फ्री हैं, आप इन प्लेस ऑफ डॉट इन प्लेस ऑफ क्रॉस यू आर फ्री टू इंटरचेंज द पोजीशन। बट आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जब भी क्रॉस जहाँ पर होगा तो वहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, सिंपल सा रीज़न है कि ए क्रॉस बी और डॉट आपने सी कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस और डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। आप बॉड मास जब आप लगाएंगे तो बॉड मास में क्या होता है, हायरार्की है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। ये बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों में से कोई भी परफॉर्म पहले होगा, क्योंकि कोई हायरार्की पे नहीं है, सेम लेवल पे है। तो अगर ये पहले हो गया तो ये पहले होने से क्या बन जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा, और नंबर का वेक्टर से क्रॉस, बोलिए पे पॉसिबल है तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे से एक्सप्रेशन हमारी मीनिंग लेस हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम पहले से ही हायरार्की डिसाइड करके रखते हैं कि अगर क्रॉस यहाँ लगाया है तो आप ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, अगर आपने क्रॉस यहाँ लगाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए। पहले से ही आप इसको मीनिंगफुल कर दीजिए कि मतलब पहले ब्रैकेट परफॉर्म होगा, देन आफ्टर दैट जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, वेदर वो क्रॉस या डॉट हो। बट आप जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर डॉट आ गया, दिखाया गया था, वो मीनिंग लेस हो जाएगा। तो हमेशा ब्रैकेट क्रॉस वाले पर ही रखते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया पोजीशन इंटरचेंज कर दी गई, तो यू आर फ्री टू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस विदाउट चेंजिंग ऑफ साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है कि देखिए हमने यहाँ पर ए के बाद क्या रखा बी और बी के बाद क्या रखा सी, तो ये ऑर्डर चेंज नहीं किया, ए बी सी पोजीशन ऑफ डॉट और क्रॉस चेंज की। तो इस इन दोनों को आप बोल सकते हैं ए बी सी बॉक्स। तो बॉक्स का मतलब समझ में आया कि नहीं, कि अगर आपने बी सी ए लिखा है तो आपके को ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये बताया गया कि स्केलर प्रोडक्ट है, ये केवल ये पता चला स्केलर प्रोडक्ट है। बाद आपको क्या करना है कि बी सी ए रखा आपने, आप चाहें तो यहाँ पर डॉट रख दें और क्रॉस वहाँ रख दें, चाहें तो आप क्रॉस यहाँ रख दें, ये आपके ऊपर है, ऑर्डर उन्होंने डिसाइड कर दिया। उन्होंने बॉक्स के अंदर क्या डिसाइड किया है, ऑर्डर बी सी ए है, ए बी सी है, जो भी है, तो उन्होंने उस ऑर्डर में आप रखने हैं, डॉट और क्रॉस कहीं पर भी रखना है। इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, ठीक है, कि आप डॉट और क्रॉस कहाँ रखा जाएगा इस पर कंसर्न नहीं होंगे, साइक्लिक ऑर्डर पर कंसर्न होंगे। ब्रैकेट कहाँ रखा जाएगा बताया गया, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट हमने प्रॉपर्टी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ली है, यहाँ पे हमने दिखाया कि एक वेक्टर दो वेक्टर के सम से मिलके बना हुआ है, ए वेक्टर यहाँ पे दो वेक्टर के सम से मिलके बना हुआ, बाकी ऐसे लिए गए हैं, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए क्या किया गया, ए के साथ सी और डी लेके यहाँ अलग कर दिया गया, फिर उसी के साथ बी के साथ सी और डी लिया गया, अलग कर दिया गया, मतलब ए और बी को यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया। कहने का मतलब अगर यही सेम चीज़ यहाँ पे होती, कर क्या रहे हैं और कैसे करेंगे वो हम बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी आपके सामने ये किया होगा था तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, ए सी डी होता और बीच में क्या लगा देते माइनस, और बी सी डी होता, हो जाता कि नहीं हो जाता, तो ये बात आप समझ रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर ए सी प्लस डी और ई वेक्टर होता तब भी आप समझ रहे होते, ए सी ई वेक्टर प्लस ए डी ई, ये इसलिए एग्जाम्पल लिया गया कि आपको क्लियर हो जाए। ये लॉजिकल डिपेंडेंट है प्रॉपर्टी, कि आपके लॉजिक पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप लॉजिक आपका तगड़ा है, अगर आप तेज़ हैं, ए प्लस बी वेक्टर और सी प्लस डी वेक्टर और डी या ई प्लस एफ वेक्टर, तो इसको भी आप ब्रेक कर जाएंगे। अगर आपने सही से प्रॉपर्टी समझ पाई तो इसको भी आप ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है, और नहीं समझ पाई तो नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने बोला कि बहुत सारी चीज़ें आपके डिपेंड कर रही कॉन्सेप्ट के ज़्यादा आपके लॉजिक पे, तो आप कैसे समझते हैं। तो अब पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉपर्टी क्यों ऐसी हुई। मैंने बोला कि हर चीज़ यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिटरमिनेंट भी फॉलो कर रही है। डिटरमिनेंट एक हमने आपके सामने ली, यहाँ पे एक रो को ऐसा लिया कि ये सम ऑफ टू एलिमेंट से बनी हुई है, मतलब दो एलिमेंट के सम से बनी हुई है, बाकी कॉलम रो नहीं, यहाँ पे कॉलम जो वर्ड हम रो यूज़ कर रहे हैं वो कॉलम है। तो पहला कॉलम द फर्स्ट कॉलम कंटेन्स द सम ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है, और ये सिंगल एलिमेंट्स हैं। तो जितने अगर दो एलिमेंट्स के सम से बना है या दो एलिमेंट के सम से एक्सप्रेस किया गया है, तीन एलिमेंट के सम से एक्सप्रेस किया गया, एन एलिमेंट के सम से एक्सप्रेस किया, जितने एलिमेंट के सम से एक्सप्रेस किया गया
उतनी ही डिटरमिनेंट में डिकम्पोज होगा। दो के सम से बना है तो दो में होगा, तीन के सम से बना है तो तीन में होगा। अगर n एलिमेंट के सम से बना होता तो कितना डिकम्पोज, मतलब उसके पार्ट हो जाते, कंपोजिशन मतलब जुड़ जाते और डिकम्पोज मतलब पार्ट हो जाते। तो दो पार्ट हुए, दो की वजह से तीन पार्ट होते, तीन की वजह से। तो ये हर कॉलम हर रो में है, तो यहाँ पे एक कॉलम दिखाया गया जिससे कि आपको वो चीज़ मैच कर पाए, तो वही चीज़ यहाँ पर आई है। ठीक, तो जिस प्रॉपर्टी को अभी पहले एक्सप्लेन किया गया था, तो हमने बोला था कि इसको डिकम्पोज करना है, तो एक सिंपल सा हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया था, फिर उसके बाद लास्ट में हमने एक टिपिकल सा लिया था। यहाँ पे पहले वाले वेक्टर में सम ऑफ टू वेक्टर्स हैं, दूसरा भी सम ऑफ टू वेक्टर्स और तीसरा भी सम ऑफ टू वेक्टर्स को आपके आंसर को मैच कराने के लिए हमने यहाँ पर यहाँ से लेके वहाँ तक के सारे सारे वेक्टर्स को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स को लिखा हुआ है। आठ, ये सारे आप काउंट करेंगे तो आठ हैं, काउंट करेंगे कितने हैं, आठ हैं। इसका मतलब टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। अब यहाँ हमने दिखाया है कि पहले वाला एक स्प्लिट होगा ए और बी में, फिर उसके साथ ए के साथ, ए के साथ दूसरा वाला एक स्प्लिट होगा सी और डी में, ऐसे बी के साथ भी सी और डी में, फिर तीसरा वाला इनके साथ ई और एफ में, ई एफ में, ई एफ, ई एफ, ट्री दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, ट्री। तो अब देखिए पहला अगर देखेंगे तो ए सी ई यहाँ पे लिखा होगा, दूसरा ए सी एफ यहाँ लिखा होगा, हमने उस ऑर्डर में लिखे हैं, ए सी एफ द्वारा लिखा होगा, फिर लिखा होगा ए डी ई, बहुत ही ऑर्डर से गए हैं, जिस ऑर्डर से हमने लिया है, ए डी, ए डी एफ चौथा होगा, ए डी एफ, ध्यान दे रहे कि नहीं। उसके बाद फिर बी से शुरुआत हुई हो, वैसे चार फिर उतरे होंगे, ए बी सी ई, बी सी एफ, बी डी ई, बी डी एफ, ठीक है। तो ट्री स्ट्रक्चर मतलब जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये लॉजिक बहुत ही सिंपल तरीके से, सहज तरीके से आना चाहिए। एक हमने डिटरमिनेंट से भी ये प्रॉपर्टी को दिखाया है कि आप अगर नहीं यहाँ पर पकड़ पा रहे, दोबारा देखें, यहाँ पर पहले कॉलम को हमने दो एलिमेंट से सम, क्वेश्चन आता है कि ये कितनी डिटरमिनेंट डिकम्पोज होगा, तो आंसर सीधे सीधे है टू, टू और वन, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि एक डिटरमिनेंट है, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट के, सिंगल एलिमेंट यूज़ किया गया, सिंगल एलिमेंट, और यहाँ पे डबल, और यहाँ पे डबल एलिमेंट, और यहाँ पे ट्रिपल, तो कितनी तो सिंगल है फिर डबल है फिर ट्रिपल, तो वन इंटू टू इंटू थ्री। अब ऐसे क्या, ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये डबल, डबल दो एलिमेंट के सम से है, ये ट्रिपल है तीन एलिमेंट के सम से है, और ये फोर एलिमेंट के सम से बना हुआ है, तो हाउ मैनी डिटरमिनेंट बनेगी, तो टू इंटू थ्री इंटू फोर, कितनी बन जाएगी, 24, ठीक है। सीधे मल्टीप्लाई करिए, बट आएगा कैसे देखिए, यहाँ पे हमने ये लिया तो पहले क्या किया, इस वाले कॉलम को एक स्प्लिट किया, अभी ये सब ऐसे रहने दें भाई, परत कोई चीज़ को एक स्प्लिट करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली लेयर को खोलेंगे, तो इसको आप खोलेंगे तो एक इसके साथ देखिए दिखाया गया ना, इसके साथ इसका और इसका एसोसिएशन है कि नहीं, ये वाला इसके इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला भी इसके साथ जाएगा, फिर इसके भी क्या हैं, दो पार्ट होंगे, इसका इसका इसके साथ ये आया, फिर इसी का इसके साथ और इसके साथ ये आया, ऐसे ही फिर यहाँ पर भी क्या होगा, ये एक आ जाएगा नहीं, और ये दूसरा आ जाएगा, चार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे शायद। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे तो भाई ऐसा है कि आंसर याद कर लो, कौन सा 24, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया जैसे कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो आपको पता है कि आठ डिटरमिनेंट बनेगी, आठ आठ में ये एक्सप्लिट हो जाएगा, देखते कौन कौन से, ए बी सी, फिर क्या आएगा, या ट्री स्ट्रक्चर बना दें तो इसका देखिए क्या आएगा, ए आएगा और बी, फिर उसके साथ क्या टूटेगा, बी और सी, इधर भी क्या टूटेगा, बी और सी, फिर ये क्या आएगा, सी और ए, इधर क्या आएगा, सभी के साथ, इसके साथ भी लास्ट वाला सभी के साथ जाएगा, फिर सी ए। अब देखिए ए बी सी, पहला वाला ए बी सी तो आ गया, अब ए बी ए ज़ीरो हो गया, ये वाला तो क्रॉस हो गया, ए सी सी क्रॉस हो गया, ए सी ए भी गया, बी बी सी गया, बी बी ए गया, बी सी सी गया, बी सी ए, क्या बचा,
बी सी ए, अब बी सी ए बी सी बताया था साइक्लिकली ए बी सी, तो ए बी सी हो चाहे बी सी ए हो सेम है, तो टू टाइम्स ए बी सी, तो इसकी वैल्यू क्या है, टू टाइम्स ए बी सी आ गया, टू टाइम्स ए बी सी। बहुत ही आसान, इस तरीके से एक एग्जांपल और आप नोट कर लीजिए, आता है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो वहाँ आ जाएगा ए बी सी और माइनस बी सी ए, तो ए बी सी माइनस ए बी सी क्या आ जाएगा आंसर, ऐसे आंसर क्या है, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, है दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, तो इम्पॉर्टेंट था जो बताया गया उससे पहले वो इम्पॉर्टेंट था, उस पर ध्यान दें तो आसानी से आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको समस्या होगी। ठीक, जिसको समझने में दिक्कत हो रही है इस लॉजिक से, तो आप एक और लॉजिक है, आप सिंपल क्या करें कि ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, मैंने बोला कि कोई चीज़ अगर नहीं आती तो बेसिक आपका क्लियर है तो वो तो आएगी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए। अब हमने सीखा है कि सेम सेम वेक्टर का क्रॉस ज़ीरो, फिर आप देखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर देखेंगे ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर देखेंगे ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर आपको देखना है बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर बी डॉट बी क्रॉस ए। अब ये मतलब मज़ेदार नहीं लग रहा है, क्योंकि उससे पहले हमें एक तरीका मिल चुका है ना, तो मन नहीं कर रहा, और फिर भी ज़ीरो 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 ए बी सी बी सी ए टू ए बी सी, तो चाहे ऐसा नहीं है कि मतलब वो वाला तरीका यूनिक है वही मिलेगा, इस तरीके से आप सिंपली जा सकते हैं, बट अगर दोनों तरीक़ों को कंपेयर करें कॉम्पिटिशन वाइज, तो मुझे लगता है कि आप उसी तरीके को सीखने का प्रयास करोगे और आप तो उसी को करोगे। ठीक है, ठीक, अभी क्वेश्चन आपके सामने है तो हम लोग उसी तरीके को अपनाते हैं, ए, अब ए के साथ क्या आ गया बी और सी, अब इसके साथ क्या जाएगा ए बी और सी, यहाँ पे भी क्या जाएगा ए बी और सी, अब ए बी ए गया, गया मतलब ज़ीरो हो गया, ए बी बी ये भी गया, ए बी सी तो इसको हम उतार लेंगे, ए बी सी एक मिल गया हमें, अब ए सी ए जैसे ही दो वेक्टर सेम मिले ए सी बी उतार लिया और ए सी सी क्या ज़ीरो। अब यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं, ए बी सी और ए सी बी, अब देखो ए बी सी इधर जा रहा है ए सी बी इधर, तो प्लस और प्लस माइनस साथ में रह पाएंगे नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक, बेसिक मेथड आपका वही होगा जो आप को कैसे करना होगा, ए डॉट बी प्लस सी, देखिए हम हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कभी भी शॉर्टकट को नहीं बता रहे कि आप फॉलो करिए, अगर फॉलो कर पाते तो अच्छी बात है, बट आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए, रूट नोड वही है उसी से ये सब डेवलप हुए हैं, तो रूट पता होगा तो आप डेवलप कर पाएंगे। ठीक, तो इसको तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे तरीके से हमें जाना ही है, इस तरीके से आप अगर आप अप्रोच को जान पाते हैं तो दैट्स गुड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कुछ चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें लिखनी ना पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, आप समझने का प्रयास करेंगे। एंगल ऑफ द वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो बहुत से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस, बहुत ही लोग कन्फ्यूज रहते हैं, पहले तो हम बात करते हैं कि एंगल कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं पता है भूल गए तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, पहले बताया गया है बट आप यहाँ ध्यान रखें, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, अब यहाँ पे हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप, जहाँ भी आई जे के लिया गया मतलब एक्सिस ली गई है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई वेक्टर, एक्स एक्सिस में आई वेक्टर, जैसे यहाँ पे बिहेव किया गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ वैसा ही ए और आई के साथ किया गया है, ए डॉट आई अपॉन मॉड ए मॉड आई, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, तो यहाँ देखिए एंगल बिटवीन द एक्सिस ये एक्स एक्सिस के साथ है और ये वाई एक्सिस के साथ है, ये तो कोई एक हम निकाल देते हैं, आप उसके बाद अपने आप से निकाल देंगे, सपोज हम जेड एक्सिस के साथ निकालते हैं तो क्या होगा, थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के का डॉट के से करेंगे
मॉड ऑफ के जो होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा, बाकी इसका मॉड लेंगे, इसका मॉड होगा 9, 36 और 4, जब ये डॉट होगा तो यही केबल आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो 2 अपॉन ध्यान दें 40 और 49, मतलब 2/7 एक्स एक्सिस का एंगल क्या आ गया। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो एक्स एक्सिस के साथ 3/7 क्या आएगा, 3/7 यहाँ पर -6/7 और यहाँ पर 2/7। तो हमने एक चीज़ ध्यान दी ट्रिक, अब आप बोल सकते हैं कि ट्रिक क्या होगी, तो r वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के है, तो एक्स एक्सिस के साथ x अपॉन मॉड r होगा, y एक्सिस के साथ y अपॉन मॉड r होगा और z एक्सिस के साथ z अपॉन मॉड r। इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट, आप सीधे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर बोला गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बेसिकली x और y है, मगर एक्सिस के साथ एंगल, तो x एक्सिस के साथ एंगल अलग होगा, y एक्सिस के साथ अलग होगा, z एक्सिस के साथ अलग होगा। जब आप x एक्सिस के साथ एंगल निकाल रहे होंगे तो i का डॉट करेंगे, तो ये एंगल किसके साथ है, जो ये वैल्यू दिया गया मतलब 3/7 आया है, 3/7, तो इट इज कोसाइन, नॉट एंगल, कोसाइन एंगल बिटवीन वेक्टर एंड x एक्सिस, ये इसका आंसर है। ओके, कोसाइन एंगल, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहे कि मतलब मेरे बोलने से इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक, है इंपॉर्टेंट। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर और ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एंगल के बारे में पूछता है कि एंगल कैसा होगा। ठीक है, तो एक बात हम बेसिक सी बात समझते हैं, हमने बहुत सारे स्टेप्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इस सारे स्टेप्स को हम एक बारी बारी से देखेंगे। ए डॉट बी ये जानते हैं मॉड बी कॉस थीटा, तो जो बात हम बता रहे हैं उसको ध्यान दें, मॉड ए हमेशा मतलब मॉडुलस पॉजिटिव होता है, मॉड बी भी पॉजिटिव होता है, कोई भी नंबर का मॉड लेंगे पॉजिटिव होगा, तो नंबर का मॉड पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव। अब ये चीज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है, तो ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो इन्होंने तो बोल दिया भाई मैं पॉजिटिव हूँ, तो बचा कौन, कॉस थीटा, कॉस थीटा ही नेगेटिव बनाएगा, कॉस थीटा ही पॉजिटिव बनाएगा, कॉस थीटा ही जीरो बनाएगा, क्योंकि वो वैरी कर रहा है, कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव जब होगा, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, मतलब जीरो से लेके 90 तक की बात करेंगे, पाई बाई टू तक की बात करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जीरो तब होता है जब क्या होता है, पाई बाई टू और 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको बोलेंगे एक्यूट, इसको राइट एंगल और इसको ऑब्ट्यूज। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड तेज है, क्वेश्चंस के डिस्कशन में थोड़ी स्पीड तेज रहती, मैं आप रिमाइंड कर सकते हैं, दोबारा बार बार देख सकते हैं कि ये चीज़ दी गई तो याद कर लें आप। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी बातें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। यहाँ पर देखें, डिपेंडेंट ऑन द कॉस थीटा, तो अब ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव को ऐसे लिखा जाता है इनइक्वालिटी से, इसको हमने ये चीज़ लिखी है, मतलब दोनों बातें सेम है, पॉजिटिव का मतलब ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो। अब ये कब होगा, क्योंकि हमने बताया है कि इनसे कोई, ये तो अपना पहले ही से पल्ला झाड़ चुके हैं, कॉस थीटा बचा वही पॉजिटिव का, वो कब पॉजिटिव का, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए एस टी सी से जाएंगे तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, सेकेंड में कॉस थीटा कैसा हो, नेगेटिव, कॉस 90 कितना होता है, जीरो, और फर्स्ट और सेकेंड में ही एंगल वेक्टर का लाई करता, पहले ही हमने वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये कब हो जाएगा, जब एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा, एक्यूट। ऐसा कब होगा, जब राइट एंगल होगा, और ऐसा कब होगा, मतलब लेस देन जीरो, कब होगा, ऑब्ट्यूज होगा, कि ये निगेटिव है, इसका मतलब कॉस थीटा निगेटिव, और कॉस थीटा निगेटिव कब है, तो कॉस थीटा निगेटिव कब है, जब ये, ठीक है, ये पॉजिटिव कब है, कॉस थीटा पॉजिटिव कब है, जब ये, तो उसने बोला, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दो बातें बोली, एक तो बोला ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो और ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर कब होगा, जब थीटा क्या होगा, एक्यूट, और डॉट जीरो कब होगा, जब 90, तो जीरो से लेके कब तक, 90 को भी ले लेंगे, देखो यहाँ पे इक्वलिटी लगाई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेंगे और 90 भी साथ में ले लेंगे, अगर ये कंडीशन ना दी होती तो इक्वलिटी हट जाती। समझ में आई बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत बार आया है। अब आपको कौन सा ऑप्शन प्रेडिक्ट करना है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर
बाय टू का मॉड। तो हम जानते हैं कि मॉडलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिवाइडेशन पर, हमने स्क्वायर कर दिया तो ये वन बाई फोर हुआ। यहाँ पे जब स्क्वायर करते हैं वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है जो लिखने आ रहे हो फार्मूला है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू मॉड ए और मॉड बी। बस इनिशियल लेवल पर हम लोग यहीं तक रहते हैं, मतलब शुरुआती दौर पर यहाँ रहते हैं, और जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तो कॉस थीटा भी लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा लिखना सीखने नहीं है तो इसका मतलब क्या है, शुरुआती दौर पे हैं और लिखना नहीं सीखे हैं तो हैं, और लिख गए सीख लिया तो मतलब आप एक्सपर्ट हुए, मैं करना अभी भी है वन इंटू वन कॉस थीटा। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब आप जान ही रहे हैं कि दो बाहर से कॉमन अंदर से कॉमन लेंगे तो ये टू हुआ था तो वन बचा, यहाँ पे टू हुआ तो माइनस कॉस थीटा। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से कितना आया टू ए स्क्वायर तो वन बाई टू बाहर है, कॉस थीटा हाफ एंगल में लगाएंगे तो वन माइनस टू कॉस स्क्वायर साइन क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखो थीटा है तो क्या आ जाएगा, तो हम रखने वाले हैं यहाँ ध्यान दें वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। मार्कर को देखते रहें कि कैसे चल रहा है, ठीक थोड़ा स्पीड तेज हमने बोला बट आप ध्यान दें। तो ए बराबर क्या आएगा साइन थीटा बाई टू आया कि नहीं आया, ऑप्शन से क्लियर हुआ कौन सा आया बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसमें बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी, आपके सामने इसलिए किया गया कि आप प्रैक्टिस कर लें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड मैटर नहीं करती है, आप उसको देख लीजिए। ठीक ठीक, तो एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं हम लोग, वेक्टर सी फाइंड करना है, कंडीशन दी गई है सी डॉट आई सी डॉट जे सी डॉट के बराबर हैं और मॉड सी कितना है 100 है। ठीक है, एक वेक्टर बताना है, तो आपके पास एक लाइफ लाइन है कि कुछ भी ना पता हो और वेक्टर के बारे में निकालना हो तो सपोज तुरंत कर लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जब भी कहेंगे वेक्टर निकालना है तो हमने निकाल लिया, बस हमें एक्स वाई जेड निकालना है, तो सी डॉट आई कितना आ गया एक्स। ठीक है, सी डॉट जे बराबर है कि नहीं, और सी डॉट जे कितना आता है वाई, तो एक्स के बराबर वाई हो गया, और सी डॉट के कितना है, अरे भाई डॉट प्रोडक्ट करना जानते हो कि नहीं जानते हो, और नहीं जानते हो तो पहले वाले वीडियो पर चले जाओ, इतना नहीं बता पाएंगे भाई। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ये आ गया कितना एक्स आई प्लस जे प्लस के, आया कि नहीं आया भाई, एक्स वाई जेड सब रख दिए, और मॉड ऑफ कितना सी दिया कितना 100, ऊपर देखो भाई यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो एक्स रूट थ्री बराबर कितना 100, तो एक्स बराबर 100 अपॉन, तो भैया आ गया कि नहीं आएगा इधर 100 अपॉन रूट थ्री आई प्लस जे प्लस के, नहीं आया, ये आपका वेक्टर। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट इनिशियल लेवल पे कॉन्सेप्ट वाइज इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे इसका मतलब वेक्टर को आपको कॉन्सेप्ट को आपको बहुत आगे तक ले जाना होगा। क्वेश्चन पहले ध्यान दें कि यूनिट वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट मतलब इनका टोटल सम। तो यहाँ पे वेक्टर ए लिया गया ऐसे, वेक्टर बी लिया ऐसे, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम वेक्टर ए प्लस बी, रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी। अब इसके पैरेलल समांतर, तो इसके पैरेलल एक वेक्टर हमने आर लिया जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, मतलब रिक्वायर्ड का मतलब मुझे पता करना है। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए यूनिट, तो अब यहाँ देखें कि इसके पैरेलल कोई वेक्टर लिया होता, कोई वेक्टर होता जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होता, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड में हमें पता करना पड़ता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना दिया यूनिट, तो सीधे क्या करें यूनिट वेक्टर निकालें इसी का, तो यूनिट वेक्टर इसका निकालने के लिए क्या करेंगे वेक्टर ए प्लस बी का किससे डिवाइड कर देंगे वेक्टर ए प्लस बी के मॉड से, इसके मॉड से डिवाइड करेंगे तो 3i प्लस 4j माइनस 7k अपॉन इसका मॉडलस कितना आएगा 9 16 और 49, तो जो भी आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी उसकी दिशा इसके ही समांतर होगी पैरेलल होगी ना, तो यही वेक्टर से पता करना था, मतलब इसी को सम करना है और इसी को यूनिट वेक्टर बनाना है। तो जो स्टूडेंट करता है वो सोचता है कि कुछ और करना होगा, ठीक है, इसीलिए वो और के चक्कर में क्वेश्चन नहीं कर पाता है, इसके सम को ही यूनिट बनाना है, वही क्या है बाकी दूसरे सबके क्या है समांतर है यूनिट है। ठीक है, जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिया बहुत इंपॉर्टेंट है बट समझना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है प्रैक्टिकली जब मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर खुद सामने समझाता हूँ तब वो दो चार बार समझ पाते हैं, तो कोशिश करें। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया है कि समझना आसान नहीं इसका मतलब समझ नहीं पाएंगे, हाँ आप उसको बार बार उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करें। हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो लिया है डिकम्पोज, मतलब दो पार्ट में ब्रेक करना है क्वेश्चन, जो वेक्टर को डिकम्पोज द वेक्टर मतलब आप वेक्टर के पार्ट करने इंटू टू वेक्टर्स, तो इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, तो यहाँ इंटू कितने इंटू टू,
तो इस वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक करना, विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, एक्सप्लेन करते हैं कैसे किया गया। इस वेक्टर को हमने यहाँ पे लिया, ओ ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के से डिनोट किया गया ये वेक्टर। अब एक वेक्टर जो 6i - 3j - 6k ऐसे लिया गया। अब इसके दो कंपोनेंट अल्फा और बीटा, इन दोनों कंपोनेंट से मिलके बना हुआ, यहाँ दिखाया गया है कि 6i - 3j - 6k अल्फा और बीटा से मिलके बना हुआ। देखिए कोई वेक्टर का सम करते हैं तो ऐसे और ऐसे जाके यहाँ से यहाँ मिला, यहाँ से यहाँ मिला है, तो ओ बी वेक्टर बन गया। तो यानी कि अल्फा बीटा इस वेक्टर के कंपोनेंट है। वही बोला गया कि दो कंपोनेंट में निकालिए। एक कंपोनेंट देखिए क्या है, ये वेक्टर गया और ये अल्फा उसी के अलॉन्ग है, पैरेलल है। तो यहाँ दिखाया गया कि अल्फा जो है आई प्लस ए प्लस के पैरेलल लिया गया और बीटा आई प्लस ए प्लस के क्या है, परपेंडिकुलर। बात को समझें एक बार, मतलब दोबारा कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, मैंने बोला कि इसके कंपोनेंट निकालने हैं। इसके क्या निकालने हैं, कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट निकालने हैं अल्फा और बीटा। अल्फा जो है इसके अलॉन्ग है और बीटा जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। कंपोनेंट इसके निकालने हैं। अब वो कंपोनेंट एक इसके पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर है। एक बात यहाँ पर हम और क्लियर कर दें, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये रिमाइंड हो जाएगा, वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो उसको बोल रहे हैं ओ एल। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ओ एल इतना ही है, मतलब इसके इतने पार्ट को कवर कर रहा है, इसकी लेंथ निकालनी वही प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन आप वेक्टर ए ऑन बी, मतलब दोनों का डॉट करिए और जिस पर है उसका मॉड लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी नहीं, तो ये प्रोजेक्शन आया। अब प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो तो प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब ओ एल वेक्टर, जैसे यहाँ ओ एल वेक्टर अगर निकाल लेंगे तो अल्फा वेक्टर भी हम लोग निकाल पाएंगे। ओ एल वेक्टर यहाँ पर, अल्फा वेक्टर यहाँ पर, दोनों समान है। इसमें होगा क्या, इसकी लेंथ, तो लेंथ तो हम निकाल चुके हैं ओ एल, और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमें ओ एल की नहीं पता, बट बी वेक्टर पता है, तो बी की डायरेक्शन क्या होगी, बी कैप। और बी कैप कैसे निकल के आएगा, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो बी वेक्टर पता है तो मतलब बी पता है, तो बी की मैग्नीट्यूड पता है, बी की डायरेक्शन। अब डायरेक्शन केवल बी की नहीं है, इस दिशा में जितने भी वेक्टर होंगे सबकी पता हो जाएगी, नहीं होता जाएगी, बताइए। रोड की ओर जो भी जा रहा है, तो रोड की ओर जो जा रहा है सबकी दिशा क्या होगी, समान, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसका मैग्नीट्यूड लिया गया और डायरेक्शन बी की ले ली गई, तो ये आ गया प्रोजेक्शन वेक्टर। तो यहीं पर हम लोग अल्फा भी कैसे निकालेंगे, अल्फा क्या, इसका एस से डॉट, देखो 6i - 3j - 6k का डॉट किससे, आई प्लस जे प्लस के से, और मॉड इस पर प्रोजेक्शन इस पर पड़ रहा है कि नहीं, तो आई प्लस जे प्लस के, ये प्रोजेक्शन की लेंथ आई। और वेक्टर निकालना है तो इसका क्या करना होगा, अभी डॉट नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई प्लस जे प्लस के अपॉन इसका मॉड, तो मॉड कितना है, √3। जब ये भाई इधर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आ जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा, अल्फा बन गया। अब देखिए अल्फा को यहाँ रख देंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ, कैलकुलेशन आपको कर लेना भाई, और अल्फा यहाँ रख देंगे, ये पता है बीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा निकाल के रख देंगे, बीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, मैंने बोला कि जब मैं सामने एक्सप्लेन करता हूँ तब भी बहुत सारे लोग काफ़ी जल्दी समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा टफ है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको भी थोड़ा समय लगेगा, बट आपने आप ही समझना होगा, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की गई, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझें, दोबारा अगर नहीं आए तो कुछ प्रयास करें, इससे बहुत ही सारे क्वेश्चंस लगने वाले हैं आगे। कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट निकालना हो, इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग और इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, तो आप कंपोनेंट निकालना भी सीख जाएंगे कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दिए वेक्टर के अलॉन्ग और किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दिए वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप इसको ध्यान दें। आज का लेक्चर और इसका डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चंस को जो बेसिस लिया गया था वो क्वेश्चंस असाइनमेंट के थे, तो जो नंबरिंग पढ़ती थी वो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रही थी। पहली बार हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, आपके सामने असाइनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा और लास्ट तक रहे, अगर आप टॉपिक के साथ साथ अगर असाइनमेंट डिस्कशन भी चाहते हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन चाहते हैं, तो अगर आप वहाँ पर लिखते हैं, अगर वहाँ फीडबैक देते हैं, तो हम इसको कॉन्टिन्यू करेंगे। तो ये पहली बार हमने आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं, अगर आपको लगता है कि इस टाइप की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे लिखें या हमें मेरे पे कांटेक्ट करें, हमसे आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू।